साउथ एशियन कैनेडियन चैनल। पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट किया था कि आपने दिल्ली के स्कूलों में आके देखने की इच्छा जताई थी और कहा था कि 250 स्कूलों के आधार पर आप दिल्ली और पंजाब के शिक्षा मॉडल को कंपेयर करना चाहेंगे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि 250 स्कूल हमने दिल्ली के दे दिए, वैसे तो कितने भी स्कूल आप मांग लें, लेकिन 250 स्कूल आपने बात की, हमने 250 स्कूलों की लिस्ट दी थी और रिक्वेस्ट किया था कि शाम तक वो भी पंजाब के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी कर दें ताकि कंपेयर किया जा सके कि किसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टीचर्स ट्रेनिंग पे, रिजल्ट पे, बच्चों के ओवरऑल लर्निंग आउटकम पे, पूरे शिक्षा सुधार पे पंजाब के शिक्षा मॉडल में ज़्यादा अच्छा काम हुआ है कांग्रेस के, या दिल्ली के शिक्षा मॉडल में केजरीवाल जी के मॉडल में ज़्यादा अच्छा काम हुआ है, और पंजाब की जनता तय कर लेगी। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि शाम तक लिस्ट जारी कर दें, लेकिन 24 घंटे हो गए, 24 घंटे तक उनकी तरफ से कोई इसका जवाब भी नहीं आया है। ऐसा लग रहा है कि अब वो शिक्षा का मैदान छोड़ के भाग गए। जब मैंने कहा था 10 स्कूल देख लीजिए, तो उन्हें लगा कि शायद हम 10 स्कूल पर कुछ डिफेंस करेंगे, हमने कहा 250 स्कूल देख लीजिए, तो अब लग रहा है कि वो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, खासतौर से मैं अब पंजाब के मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हकीकत तो यह है कि 4.5 साल में आपकी सरकार ने पंजाब में कुछ नहीं किया। पंजाब के लोगों ने आपको बड़ी उम्मीद से चुना था, लेकिन आपकी सरकार ने पंजाब के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, पंजाब में कुछ नहीं किया, और शिक्षा पे तो बिल्कुल जीरो काम रहा है। वैसे में आपके शिक्षा मंत्री जी जो नए मंत्री बने हैं, वो दावा कर रहे थे कि बहुत काम हुआ है और बहुत अच्छा काम हुआ है पंजाब के शिक्षा मॉडल में, और पंजाब के स्कूल तो बहुत शानदार हो गए हैं, तो वो तो मैदान छोड़ के भाग गए हैं। अब मैं चन्नी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि शाम तक आप 250 स्कूलों की लिस्ट दे दें, क्योंकि पंजाब के लोगों को यह हक तो बनता है कि पंजाब की सरकार ने पिछले 5 साल में क्या किया है शिक्षा पे। 250 स्कूलों का ही बता दें, ज्यादा स्कूलों का नहीं बता पा रहे, तो 250 स्कूलों में पंजाब सरकार ने पिछले 5 साल में क्या काम किया है ये पंजाब के मुख्यमंत्री जी बता दें, 12वीं क्लास तक के 250 स्कूलों की लिस्ट दे दें और बताएं कि वहां शिक्षा सुधार पे, टीचर ट्रेनिंग पे, वहां के प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग पे, वहां के रिजल्ट्स पे, वहां के बच्चों के IIT JEE जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन को पास करने पे, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पे क्या काम किया है। मुझे उम्मीद है कि चन्नी साहब मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे, वो बताएंगे कि उन्होंने क्या किया है, और अगर कहीं नहीं किया है तो वो ये भी मानेंगे कि नहीं किया है। थैंक यू सर। एक और सवाल है सर कि आज अभी पार्लियामेंट में लोकसभा में किसान बिल को वापस किया गया, आपका इनिशियल कमेंट? नहीं, ये तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये तो किसानों के लिए बहुत बड़ी जीत है उनकी, और देश भर के किसानों को इसके लिए बधाई, देश भर के किसान आंदोलनों को जो आंदोलन के नेता हैं उनको इस बात के लिए बधाई कि उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक 1 साल लंबा आंदोलन चलाया और देश की लोकसभा को एक कानून जो उसने पास किया था और तमाम चीज़ों को दरकिनार करके लोकसभा राज्यसभा में ज़बरदस्ती पारित किया गया था, उसको वापस लेने पर मजबूर किया। तो मैं इस आंदोलन की सफलता के लिए, इस आंदोलन की जीत के लिए किसानों को बधाई देता हूँ, और उम्मीद करूँगा कि लोकसभा भी और केंद्र सरकार भी उन किसानों से माफ़ी मांगेगी जिनका कोई अपना इस आंदोलन में शहीद हुआ, और जितना नुकसान हुआ है उसके लिए भी माफ़ी मांगेगी। नए वेरिएंट को लेकर चर्चा हुई और सारे एक्सपर्ट्स ने अभी तक, क्योंकि ये एकदम नया वेरिएंट है और इसका स्प्रेड अभी दुनिया भर में बहुत अनसर्टेन है, इसका इम्पैक्ट क्या है इस पर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो ये कैसे रिएक्ट कर रहा है नया वेरिएंट, सब लोग इसको लेके दुनिया भर में चिंतित हैं। आज हमारे जो भारत सरकार के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पूरा एक अभी तक की जितनी भी जानकारियां मिली हैं उसके बारे में DDMO को अवगत कराया, और उन्होंने भी कहा कि हम भी नज़र रखे हुए हैं, सरकारें भी नज़र रखेंगी, लेकिन अपनी तैयारियों में कोई कोताही नहीं करेंगी। वो चाहे वेरिएंट कितना डेडली है और कितना नहीं है, वैक्सीन पे इसका कितना असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, ये सब चीज़ें अभी बहुत आगे आने वाले कुछ समय में क्लियर होंगे। नहीं, तैयारियां तो यह है कि अगर केसेस बढ़ते हैं किसी भी कारण से तो उस वक्त कितने बेड्स की जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ेगी, कैसे जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मई और जून के अनुभव को देखते हुए, अप्रैल मई जून के अनुभव को देखते हुए दिल्ली सरकार पहले से तैयारियां कर रही थी, और हमारा जो रामलीला मैदान का या दिलशाद गार्डन का जो हमने एक्स्ट्रा फैसिलिटीज वहां बनाई थी, बाकी सब जगह भी हमारी
एक्स्ट्रा बेड फैसिलिटीज अलर्ट पे हैं। डेंगू के कारण जो थोड़ा बहुत कन्वर्जन हुआ था डेंगू के नीचे होने के बाद, वापस हम उसको उधर शिफ्ट कर ही देंगे। और इसके अलावा भी अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी तैयार है। एक सेकंड। पूरी प्रिकॉशन बरत रही है, फिर वो भारत सरकार सारे उस पर निर्णय लेगी देख के।